आज मैं आपको मीठी चटनी यानी सौंठ बनाना सिखाऊंगी। हम सबको लगता है कि हलवाइयों की सौंठ बहुत अच्छी होती है, घर में उतनी टेस्टी सौंठ नहीं बन पाती, लेकिन आज मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगी वो बिल्कुल हलवाइयों जैसी सौंठ बनाएगी। इसके लिए आपको चीनी, अमचूर पाउडर, सौंठ पाउडर यानी जिंजर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चें, काला नमक, भुना जीरा, पिसी हुई सौंफ, नमक और पानी चाहिए। सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल लेंगे। 1 कप चीनी के लिए मैंने 1.5 कप पानी डाला है। अब इसको चला लेंगे और चीनी को पानी में घोल लेंगे। पानी उबलने लगा है, चीनी घुल चुकी है। अब इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले अमचूर पाउडर डालेंगे। मैंने बीटर से इसलिए चलाया है जिससे गांठें ना बने। अगर आपके पास नहीं है तो करछी से भी चला सकती हैं। एक एक कर कर सभी मसालों को डालते जाएंगे। ध्यान रहे पिसा हुआ जीरा नहीं डालना है, उसे हम आखिरी में डालेंगे। सभी मसाले डल चुके हैं। हम इसको लगातार चलाते हुए मीडियम हीट पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। सौंठ हमारी पक रही है। 10 से 15 मिनट में ये पककर तैयार हो जाती है। दस से 15 मिनट हो चुके हैं, सौंठ हमारी गाढ़ी है। हमें इसके बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है क्योंकि ठंडी होने पर यह और भी गाढ़ी हो जाती है। अब आखिरी में हमें पिसा जीरा डालना है और गैस को बंद कर देना है। ज़्यादा गैस पर अब नहीं रखना है क्योंकि यह सौंठ का रंग काला सा कर देती है। अब हम इसे सौंठ को ठंडी कर लेंगे। सौंठ हमारी ठंडी हो चुकी है। हम इसे एक कांच के बर्तन में भरकर फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने पर यह और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे आप जब चाहे ढोकले में डालिए, दही बड़ों पर डालिए, टिक्की पर डालिए, भेलपूरी बनाइए। फ्रिज में रखकर यह कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको यह रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और ढोकले की रेसिपी के लिए जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए। थैंक यू।